हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग मैथ पजल के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों, मैथ पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सभी एज के लोग जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें रीजनिंग के इंसर्टिंग मिसिंग टर्म वाले चैप्टर में देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने ये एक पजल है। इस पजल को हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। आप लोगों को मैं 30 सेकंड का समय देता हूं, सोचिए थोड़ा दिमाग लगाइए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर इसी क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना जरूरी होता है कि यहां पर जो प्लस दिया हुआ है, इसका मेन मतलब प्लस नहीं होता है। इसका मतलब यह होता है कि हमें इन दो नंबरों को मिला के ये वाला नंबर लाना है। अब इन दो नंबरों को हम लोग जोड़ घटाओ गुणा भाग स्क्वायर को कुछ भी करके हमें ये वाला नंबर लाना रहता है, ठीक है। और जो रूल जो है इसमें अप्लाई होगा, सेम वही रूल हमें बाकी नंबरों के लिए भी अप्लाई करके लाना है, ठीक है दोस्तों। सेम वही रूल सभी में अप्लाई होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 3 और 2 को जोड़कर हमारा 43 कभी भी नहीं आएगा, कितना भी हम लोग दिमाग लगा लें 3 और 2 को जोड़कर 43 कैसे भी नहीं आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या सिक्वेंस लगाया है वो हम लोग पता करेंगे दोस्तों। तो देखिए, सिंपल सा है क्वेश्चन। देखिए, अगर हम लोग 3 में प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 में प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यही 4 और 3 सिंपल यहाँ पर है, हमको देखने को मिल रहा है। तो सेम यही लॉजिक हम लोग यहाँ पर भी लगाएंगे। देखिए, 4 में प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 3 में प्लस 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेम 54 जो है यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो सेम यही लॉजिक हम लोग नीचे भी लगा के देखेंगे। देखिए, 5 में प्लस 1 करेंगे 6 आ जाएगा, 4 में प्लस 1 करेंगे 5 आ जाएगा, 65 आ गया। सेम यही लॉजिक हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, 9 में प्लस 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 5 में प्लस 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर हमारा निकल के आ गया 106, और ये ऑप्शन नंबर सी में है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसान से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, एक और पजल क्वेश्चन मैं आप लोगों को ले देता हूं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पजल आप लोग के सामने है, तो इस पजल को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। देखिए, यहां पर हमको देखने को मिला है 2 + 2 = 0, 3 + 3 = 3, 4 + 4 = 8, 5 + 5 = 1। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 2 और 2 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 0 कभी भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर जो प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब जोड़ना बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि इस नंबर और इस नंबर की सहायता से हमें इस नंबर को प्राप्त करना है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 2 - 2 कर दें, ठीक है, 2 - 2 अगर हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर 0 हमारा आसानी से मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो सेम वही लॉजिक हम लोग नीचे लगा के देखेंगे, क्योंकि जो रूल यहाँ पर काम कर रहा है सेम वही रूल हमारे सभी नंबरों में काम करने चाहिए, ठीक है। नीचे भी सेम यही लॉजिक लगना चाहिए, तभी हमारा जो है आंसर जो है सही माना जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग करेंगे 3 - 3, तो यहाँ पर भी 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 आ जा रहा है, तो ये लॉजिक हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि ये लॉजिक हमारा बिल्कुल गलत हो गया। तो नेक्स्ट लॉजिक क्या हो सकता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे पता चलेगा कि यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे कर दें 2 × 2, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगर हम लोग कर दें 2 + 2, तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 = क्या होता है, 4 होता है। 2 + 2 = क्या होता है, 4 होता है। 4 में से अगर हम लोग 4 - करेंगे तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। सेम यही लॉजिक हम लोग नीचे भी लगाएंगे, देखिए 3 × 3 इक्वल टू क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। यहाँ पर हमको क्या करना है, 3 + 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 9 में से 6 अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा। सेम यही लॉजिक हम लोग नीचे लगाएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 4 × 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। और यहाँ पर हम लोग क्या करना है, 4 + 4, मतलब एक बार इसी नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर इसी नंबर को एक बार ऐड करना है,
इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। और अगर हम लोग 16 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8 यहाँ पर मिल जाएगा। तो बिल्कुल सही लॉजिक हमारा काम कर रहा है, तीनों में सही लॉजिक एकदम फिट हो गया, मतलब कि सेम यही लॉजिक से हमारा आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 × 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 25, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या करना है, 5 + 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर 25 में से हम लोग 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 15, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस मेथड से हम लोग मैथ पजल के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोगों को हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय बाय।